देशवासियों को, संसारवासियों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो दोस्तों, आज का रहेगा कोविड-19, तबलीगी जमात और चाणक्य सूत्र। दोस्तों, ये पूरा जो वाक्या हुआ 28 तारीख से, और उससे पहले भी जो तबलीगी जमात के लोग इकट्ठे हुए, और फिर उसके बाद में 28 तारीख के बाद उनको जो है वहाँ से मूवमेंट करवाया गया, और उसके बाद में अब आगे क्या होगा, उसका क्या रिपरकशन आएगा, उसमें से बहुत सारे लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और इसमें देशों के 16-17 देशों, विदेशों के भी बताए जा रहे हैं जो कि लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे दोस्तों, जो मैं लोग जो हमारे काल पुरुष की पत्री है उसको लेकर के मैं बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पे बात अब रहेगी कोविड के और फैलने की, और स्पेशली इंडिया में, भारत में, जैसा कि मैंने पहले एक पत्री में बताया था, एक वीडियो में बताया था कि हमारे देश में यह महामारी नहीं फैलेगी, क्योंकि हमारा लगन मजबूत है और अच्छी सिचुएशन में है, और प्लूटो और जो नेपच्यून है वो फेवरेबल फॉर द इंडिया, तो हमारे देश में ये नहीं फैलेगा। लेकिन दोस्तों, अभी ये तबलीगी जमात की वजह से अब ये मुस्लिम समाज में फैलेगा। आइए उस पे जो है एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, गणना करते हैं। यहाँ पे मुझे जो चाणक्य का एक श्लोक मुझे याद आया, उसमें वो तदहम सम प्रवच्छामि लोकानाम हित काम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञ त्वं प्रपद्यते। इसका ये मतलब है कि ज्ञान और विज्ञान का जो संगम है वह लोक हितकारी होता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा रहा, जैसे कि पहले ऐसी सिचुएशन थी तो पहले तो पहले से ही जो तबलीगी जमात है उनको सोचना चाहिए था, विचारना चाहिए था। उससे ये पता चलता है कि वहाँ पे ज्ञान की कमी है, एक जो जनरल अवेयरनेस है वो कमी है। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज नहीं किया कि जैसे कि अब हर जगह पे ये कोरोना का वायरस फैलता जा रहा है, बीमारी फैलती जा रही है, महामारी फैलती जा रही है, तो उनको अपने देशों से निकलना ही नहीं चाहिए था। खैर, जनवरी में ही आ गए थे बहुत सारे लोग जो हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, और वो आकर के इकट्ठा होना शुरू हुए। उसके बाद दूसरी गलती उनकी ये कि जब वो बाहर से आए तो उन्होंने आकर के अपने आप को चेकअप नहीं करवाया, उनको कोरोना का चेकअप करवाना चाहिए था। दूसरा ये कि वो लोकल जो हमारी अवेयरनेस है, टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब्स हैं, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये किस तरह से बीमारी जो है फैल रही है। और इसके साथ में हमारे जो तबलीगी जमात के भारतवासी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं मद्देनजर रखा। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर ज्ञान की कमी है, और विज्ञान, क्योंकि उन्होंने कोरोना के स्प्रेड को नहीं समझा। और दूसरी बात, जब उनको टेस्ट के लिए किया गया 28 तारीख के बाद से, तो बहुत सारे केसेस आए कि उन्होंने डॉक्टर्स के, नर्सेस के ऊपर जो है थूका है, या झगड़ा कर रहे हैं कि हमको यहाँ क्यों टेस्ट करे जा रहे हैं, या हमें क्यों क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि ज्ञान और विज्ञान का अभाव है, और उस अभाव में उन्होंने जो है बेतहजीबी की, अभद्रता की, इस तरह की जो हरकतें हुई। तो अब आगे क्या होगा, अगर लॉकडाउन 14 तारीख को खत्म हो जाता है तो क्या होगा। अब मैं आज की वीडियो को ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी और विज्ञान दोनों ही तरह से बताने वाली हूँ। विज्ञान की जब हम बात देखते हैं तो वायरस के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक का एक जनरल जो है ये लिटरेचर में है कि 3 बार ट्रांसमिट होने के बाद वायरस जो है वायरुलेंस अपनी खो देता है, खत्म हो जाती है 3 बार। जैसे कि 3 बार इंक्यूबेशन पीरियड, जो भी इंक्यूबेशन पीरियड है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि वायरस का, इसका जो कोरोना का है वो 14 दिन का है, तो 14 एक बार गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, तो थर्ड में जो है वो बहुत कम इन्फेक्शन दिखाएगा, और उसके बाद में फोर्थ आदमी को अगर होता है तो वह जो है ऑलमोस्ट कोई इफेक्टिव नहीं होगा, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, वेल नोन है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे, जैसे कि 7 दिन के अंदर कहा जा रहा है कि कोरोना के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो अब मैं उसको जो है इस तरह से लूँ कि जैसे अगर 28 तारीख को जो
कोई व्यक्ति थे वहां पे तबलीगी जमात के, वह जो है इन्फेक्शन उनको हुआ तो 7 दिन के अंदर जो है उन्होंने ए को दिया, आगे वाले को दिया, ए को दिया, ए ने आगे 7 दिन के बाद में फिर बी को दिया, बी आगे सी को देगा और सी आगे डी को देगा। तो डी तक अगर हम देखते हैं तो इस तरह से ये जो है 28 दिन बन जाएंगे, 28 दिन का हो जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते में ये आगे जो है जा रहा है और उसमें इन्फेक्शन दिखाई देते हैं। तो जब बी ए में इन्फेक्शन आ गया तो वो 7 दिन के अंदर अंदर आगे ट्रांसमिट करेगा, फिर बी में इन्फेक्शन आ गया 7 दिन के अंदर अंदर उसको इन्फेक्शन आएगा, सिम्टम्स दिखाई देंगे तो वो आगे ट्रांसमिट करेगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो टोटल 28 दिन बनेंगे। तो ये तो एक जो रहा कोरोना का जो वायरल जो इन्फेक्शन स्प्रेड है उसका एक तरीका, जो कि साइंटिफिकली लोगों को समझना होगा। और जो पर्सन टू पर्सन है, जो बहुत पास में है, और जैसा कि ये रहा कि तबलीगी जमात के लोग बहुत, वो सारे एक ही जगह पे इकट्ठे थे, उनका आपस में बहुत पास में थे वो, तो नेचुरल है, और उनमें से कुछ को खांसी जुकाम था भी, तो वो तेजी से फैला भी उनमें। और जैसा कि हुआ कि जब वो यूपी में गए और स्टेट्स में गए तो वह जो है वहां पर पॉजिटिव भी पाए गए हैं और कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं, ऐसा कि रिपोर्ट्स में है। तो ये रहा, अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान की। तो मैंने जैसा कि अपनी जो वीडियो थी मेरी जून की, सॉरी जो सूर्य ग्रहण की थी 12 दिसंबर की जो थी, तो आइए 12 दिसंबर की थी, दिसंबर सॉरी 26 दिसंबर जो सूर्य ग्रहण की थी 26 दिसंबर 2019, तो उसमें मैंने बताया था कि 108 दिन, मतलब जो 108 दिन कब खत्म होंगे, 12 अप्रैल को। और वह जो है स्पेशल मैंने बताया था कि जिसकी अगर सूर्य बृहस्पति राहु या सूर्य राहु मंगल या बृहस्पति केतु राहु, इस तरह से मैंने कुछ युतियां बताई थी कि अगर किसी की जन्म पत्री में वैसा है तो उनके लिए यह समय कष्टकारी है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे, मैंने काल पुरुष की कुंडली ली है जो कि 1 नंबर से शुरू होती है, ठीक है, काल जिसका कि कोई वो नहीं है, तो इसलिए हम काल पुरुष की पत्री ही लेंगे क्योंकि हम पूरे संसार की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रेफरेंस रहेगा तबलीगी जमात भारतवर्ष में, उसका रेफरेंस मैं ले रही हूँ। अब बात आई, ये देखिए 12 नंबर में बुध जो कि नीच राशि है उनकी, सूर्य उच्च राशि में, शुक्र अपनी स्वग्रही 2 नंबर में, 3 नंबर में राहु है राशि में, मिथुन राशि में जेमिनी, देन 4, 5, 6, 7 खाली है, 8, और 9 नंबर में केतु है, क्योंकि बृहस्पति यहां से मूव कर गए अभी 30 मार्च को, तो ये अब अकेले हैं। और 10 नंबर में जो है बृहस्पति मंगल शनि तीनों की युति, वो मैं पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ। और 14 तारीख को जो है चंद्रमा भी घूमते घूमते वहां पहुंचेंगे, जैसे कि 8 तारीख को पूर्णिमा होगी और उसके बाद में वो उस तुला राशि में जो पूर्णिमा घटित हो रही है और उसके बाद में वो यहाँ पे पहुंचेंगे। इस तरह से अब जब आप देखते हैं बुध जो है 12 जो कि उनकी नीच राशि है और 12वें घर में है, तो घाटा नुकसान वे, और ये जो है अपनी सप्तम दृष्टि से 6 नंबर को देख रहे हैं, षष्ठम स्थान को देख रहे हैं जो कि बीमारी का घर है, और वह भी जो है वर्गो जो कि बुध की अपनी राशि है, तो यह है बीमारी बढ़ेगी। अब यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है वह बुध का रिप्रेजेंटेटिव है या बुध के प्रभाव में मुस्लिम समुदाय आता है, जब हम समुदाय की स्टडी करते हैं तो यह उसमें आता है, लिटरेचर में है कि जो मुस्लिम समुदाय है वह बुध डोमिनेटेड या बुध के ग्रह के प्रभाव में रहता है। तो इस प्रकार से अब वह बुध नीच में चला गया है, तो यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है उसमें वो बहुत तेजी से फैलेगा। अब जो तबलीगी जमात के लोग थे मतलब उसमें तेजी से फैलेगा, लेकिन उनमें तेजी से फैलना और फिर उससे आगे, ऐसा नहीं है तबलीगी जमात के बाहर भी तो मुस्लिम भाई हमारे, उनके जो रिश्तेदार होंगे जानकार होंगे तो वहां भी तो उनसे भी तो मिलेंगे, उनसे भी तो इंटरेक्ट करेंगे, तो वहां भी इन्फेक्शन लिया जा सकता है। और वर्ल्ड ओवर भी आप देखेंगे तो इस समय में जो है ये, और स्पेशली 24 तारीख तक जब तक बुध नीच राशि में है, जब तक यहां से निकलेंगे नहीं, 1 नंबर में जाएंगे, सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाएंगे तब तक, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मैं संसार की बात कर रही हूं और मैंने काल पुरुष की कुंडली यहां पर ली है, भारत देश की कुंडली नहीं ली है। तो ये जो है मुस्लिम कंट्रीज में भी ये इस समय में तेजी से फैलेगा। भारत देश में हमारे जो है जो भी तबलीगी जमात में वहां इकट्ठे हुए थे उनमें बहुत ज्यादा फैलेगा, इसलिए
जिन जिन स्टेट्स में वो गए हैं उन स्टेट्स को उनको तुरंत सभी लोगों को क्वारंटाइन करना चाहिए। पहले तो दुर्भाग्य की बात है कि जब दिल्ली से ही जब वो निकले तो दिल्ली में ही 8-10 स्कूलों को जो है क्वारंटाइन बना देना चाहिए था। दुनिया भर के स्कूल हैं, प्राइवेट हैं चाहे सरकारी हैं, उनको वहीं पर जो है क्वारंटाइन कर दिया जाना चाहिए था, उनको मूवमेंट अलाउ ही नहीं किया जाना चाहिए था। अब आइए बात करते हैं यहां से, अब आप देखेंगे कि ये जो बुद्ध की सिचुएशन बनी और उसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था जब कालसर्प दोष के बारे में बताया था कि राहु और केतु कैसे मूव करते हैं, वो जो है क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो अब जो है और देखेंगे तो जो हमारे ग्रह होते हैं एक तरह से वे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। जैसे अभी जो है 9 नंबर में थे बृहस्पति, अभी वो 10 में गए, आगे फिर जो है वापस 9 में आएंगे बकरी होकर के 30 जून को, और उसके बाद जब वो राशि बदलेंगे तो वे फिर आगे पूर्णता से जो है 10 नंबर में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से फिर आगे 11 में जाएंगे, इस प्रकार से अभी शनि है वह 10 नंबर में, फिर आगे 11 में जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, और देखा जाए तो ये एक तरह से क्लॉकवाइज जो है राहु और केतु। अब राहु यहाँ 3 नंबर में है और आप देख सकते हैं कि यहां से ये और केतु यहां से, और ये देखिए ये सारे ही ग्रह जो है वो इस तरह से इनके बीच में आ गए। तो ये क्या है, ये बन गया वासुकी कालसर्प दोष। पूर्णता से सारे ग्रह आप देखिए यहां पर है 14 तारीख को। वासुकी क्या थे, कौन से ये सर्प हैं, ये वे सर्प हैं जिन्होंने समुद्र मंथन, जिनको लेकर के समुद्र मंथन किया गया था। तो आप सोचिए कि ये इस समय में, समुद्र मंथन उस समय हुआ था तो इस समय में क्या होगा, इस समय में चिंतन मनन का मंथन होगा, सरकारें देश भर में संसार भर में जो है मंथन होगा उस किसके ऊपर, कार्य करने के ऊपर। कार्य में क्या है 10 नंबर, कार्य में क्या रहेगा, यहां देखिए बृहस्पति मंगल शनि और चंद्र, चंद्र और बृहस्पति का उत्तम योग, बृहस्पति और मंगल का उत्तम योग, बृहस्पति और शनि का शुभ योग, चंद्र और शनि जो है ये यहां पर विष दोष, ये जो है कार्य हमें क्या करना है कि इस विष को यहां से हटाना है और क्या करना है, जो वैक्सीन है मेडिकेशन है उस पर हमें काम करना है, और यह देश भर में इस पे उस समय में जो है बहुत ही तेजी से ये होगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि यह यहाँ पे संपूर्णता, जब तक जो बुध जो है 24 अप्रैल को यहाँ पहुंचेंगे, 25 तारीख को सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाएंगे, तब ये जो है जो मुस्लिम समुदाय में जो बढ़ेगा ये, वहां पर वो थोड़ा सा थमेगा, क्योंकि बुधादित्य योग बनेगा और फिर वो जो है 3, 4, 5, 6, लेकिन यहां पर भी आप देखें तो षष्टम षडाष्टक योग बन रहा है, यह कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। और यहां आप देखें तो केतु के साथ में भी जो बुध का जो है वह चतुर्थ दशम योग बन रहा है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है चतुर्थ दशम योग शुभकारी नहीं होता है। इसी प्रकार से बुध अगर देखें, बुध की वो देखें तो राहु के साथ भी उनका चतुर्थ दशम योग बन रहा है, चतुर्थ दशम शुभकारी नहीं होता है। तृतीय एकादश 3-11, नवम पंचम 9-11, 9-5 ये शुभकारी होते हैं। यहाँ पे सूर्य और बुध भी जो है वो षडाष्टक बनाएंगे, वह भी कोई शुभकारी नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि काल पुरुष की अपनी उसमें सूर्य आ जाएंगे और जो कि उनकी उच्च राशि है, सूर्य के प्रकाश से वह जो है कमी इसमें आएगी, कंट्रोल होगा, लेकिन 24 अप्रैल तक यह मुस्लिम देशों में, मुस्लिम समुदाय में यह बीमारी फैलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यह वीडियो, लेकिन इसके साथ साथ मैं संदेशा, जैसे कि पहले बात आई थी कि जो हमने जो है 22 तारीख को जो है संडे के दिन जो है हमने क्लैपिंग करी थी या थाली बजाई थी, तो दोस्तों ये वो क्या था, वो एक साइंटिफिक भी है, वो एस्ट्रो रेमेडी भी है और साइंटिफिक भी है। तो हमें आज की तारीख में ज्ञान और विज्ञान को दोनों को साथ लेके चलना है, क्योंकि जब रेजोनेंस होता है, जब इतने सारे लोगों ने एक साथ साउंड क्रिएट करी तो उससे क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस होने से जो है नेगेटिविटी खत्म होती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वह डिफ्यूज होते हैं, बस्ट होते हैं, और ये वेल डिफाइंड है, ये रिसर्च है, स्पेशली इन द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ इट, कि जो ट्यूबरक्लोसिस का जब स्टडीज कुछ हुई थी तो उसमें ये पाया गया था कि साउंड से जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है वह बस्ट हो जाता है
और वो उसकी डेथ हो जाती है, इनएक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार से उसका हमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आज के दिन रात को जो हमें लाइट्स जलानी है, तो मैं ये कहूंगी कि कोशिश करें आप मोबाइल को जो है यूज ना करें, हो सके तो चाहे तेल या घी या किसी भी तरह का आप लिक्विड को लेकर के उसका जो है जलाएं। और कैंडल्स तो होंगी ही, दिवाली की कैंडल्स भी पड़ी होती हैं, मैंने भी अपनी निकाली हैं, तो कुछ कैंडल्स को लेकर के और 9 नंबर में आप इस तरह से, अगर पूरी कैंडल्स नहीं है तो आप उतने दिए जला लीजिए, क्योंकि अब पूरे मेरे पास सामग्री है वो बात अलग है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं रखती हूँ, मेरे पास सामग्री है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो बर्थडे की कैंडल्स होती है छोटी वाली होती हैं, अगर वह आपके पास पैकेट लेडीज खरीद के रख लेती हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 अगर आप पूरी एक ही सामग्री को नहीं यूज कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ आप दिए कर ले। दिए में आप एक घरों में नॉर्मल जोत भी होती है पीतल की, कांसे की, किसी भी एक उसको भी ले ले आप, और कॉपर का है, कैसा भी कोई दिया है, मिट्टी का है, उसको आप ले ले, आटे का बना ले, और कुछ नहीं है तो आटे के बना ले, तो हमारी महिलाएं इतनी क्रिएटिव है, आटे के बना ले। और कैंडल्स तो इस तरह से 9 की गिनती जो है वे जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे इस जो कालपुरुष की पत्री है इसमें आप देखें जो मंगल है हमारे, वह ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करने वाले हैं। एक तो सूर्य हो गए मेष राशि में, आगे जाएंगे लेकिन वो अभी नहीं है, अभी कमजोर है, अभी वो यहाँ पे 12 नंबर में है, तो इस वजह से तो उनको हमें बूस्ट करना है, उन्हें शुभता देनी है, और ताकि वो शुभता प्राप्त करके जब आए तो पूर्णतः से वो जागृत हो। और यहाँ पे मंगल और बृहस्पति और मंगल और शनि, इनकी जो हमें इनका लाभ उठाना है, इसलिए हमें यह रोशनी आपको जो प्रधानमंत्री जी की हमारी उनकी जो रिक्वेस्ट है, हमें उसे मानना चाहिए, इसे ज्यादा से ज्यादा जलाना चाहिए। हाँ, जहां पे नहीं आपके पास सामग्री है तो वहां पर आप टॉर्च लाइट भी जला सकते हैं, या किसी भी प्रकार की रोशनी, अन्य प्रकार की रोशनी भी 9 मिनट तक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।